हेलो एवरीवन होप यू ऑल आर डूइंग वेल तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है अगर अभी तक आप इंग्लिश नहीं बोलते क्योंकि इसमें आपको 101 डेली प्रैक्टिस इंग्लिश सेंटेंसेस बताऊंगी जो आपको बोलना है ना कि सिर्फ बोलना बट कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है डेली ताकि आपका इंग्लिश बोलने का कॉन्फिडेंस इम्प्रूव हो और आप इंग्लिश बोल पाएँ सो लेट्स गेट स्टार्टड फर्स्ट इज़ भूल जाओ फॉर इट फॉर इट मुझे जाने दो लेट मी गो लेट मी गो वो कैसी है हाउ इज शी हाउ इज शी नेक्स्ट इज धैर्य रखो यानी हैव पेशेंस हैव पेशेंस दूसरा ले लो हैव अनदर वन हैव अनदर वन नेक्स्ट इज सब तैयार है एवरी थिंग इज रेडी एवरी थिंग इज रेडी क्या आपने सुना डिड यू हेयर डिड यू हेयर इसे बाहर ले जाओ टेक इट आउटसाइड टेक इट आउटसाइड बहुत बढ़िया विचार है ग्रेट आइडिया ग्रेट आइडिया आप कहाँ से हैं वेयर आर यू फ्रॉम वेयर आर यू फ्रॉम नेक्स्ट इज ये कब हुआ वैन इट हैपन्ड वेन इट हैपन्ड नेक्स्ट आप परेशान लग रहे हैं यू सीम्स अपसेट यू सीम्स अपसेट कुछ गड़बड़ है समथिंग इज फिशी समथिंग इज फिशी उसके सर में दर्द है ही हैज़ अ हैडेक ही हैज़ अ हैडेक नेक्स्ट क्या आप समझ रहे हैं आर यू अंडरस्टैंडिंग आर यू अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है समझना या समझ में आना नेक्स्ट इज कुछ और चाहिए एनी थिंग एल्स एनी थिंग एल्स मैं नहीं समझता हूँ आई डोंट अंडरस्टैंड आई डोंट अंडरस्टैंड नेक्स्ट जितना जल्दी हो सके एज सोन एज पॉसिबल एज़ सोन एज पॉसिबल इसको हम शॉर्ट में एस भी बोलते हैं ए एस ए पी एस का मतलब जितना जल्दी हो सके इसको हम ज़्यादातर ईमेल में यूज़ करते हैं एस ए एस ए पी नेक्स्ट कुछ और चाहिए को बोल सकते हैं डू यू नीड एनी थिंग एल्स डू यू नीड एनीथिंग एल्स नेक्स्ट आपको कौन सा चाहिए विच वन डू यू वॉन्ट विच वन डू यू वॉन्ट नेक्स्ट इज कभी भी नहीं नेवर एवर नेवर एवर गैस जला दो इन लाइट द गैस इन लाइट द गैस झूठ मत बोलो डोंट टेल अ लाई डोंट टेल अ लाई गुस्सा मत करो डोंट बी एंग्री डोंट बी एंग्री नेक्स्ट वह कामचोर है ही इज अ शर्कर ही इज अ शर्कर शर्कर का मतलब होता है कामचोर बहुत लोग लेजी वर्ड यूज़ करते हैं जो कि गलत है लेजी का मतलब होता है आलसी शर्कर का मतलब होता है कामचोर तो वह इकलौता है ही इज एन ओनली चाइल्ड ही इज एन ओनली चाइल्ड वह खुदगर्ज है ही इज सेल्फ ऑब्जेस्ट ही इज सेल्फ ऑब्जेस्ट सेल्फ ऑब्जेस्ट का मतलब ऐसा आदमी जिसको सिर्फ अपनी ही पड़ी हो और दूसरों की परवाह ना करता हो तो खुद भी होता है नेक्स्ट इज मैं आपसे सहमत हूँ आई अग्री विद यू आई अग्री विद यू नेक्स्ट काम की बात करो को आप बोल सकते हैं गेट टू द पॉइंट या फिर कम टू द पॉइंट गेट टू द पॉइंट या फिर कम टू द पॉइंट नेक्स्ट ज़्यादा लालची मत बनो डोंट बी सो ग्रीडी डोंट बी सो ग्रीडी नेक्स्ट इतने महान मत बनो डोंट बी सो ग्रेट ग्रैंडी डोंट बी सो ग्रेट ग्रैंडी नेक्स्ट बर्तन मत ढंढनाओ डोंट क्लैटर द डिशेस डोंट क्लैटर द डिशेस भुक्खड़ की तरह मत खाओ डोंट ईट लाइक अ ग्लटन डोंट ईट लाइक अ ग्लटन भगवान जाने वो कहाँ है गॉड नोज़ वेयर ही इज गॉड नोज़ वेयर ही इज नेक्स्ट इज़ इसे खुद करो डू इट योर सेल्फ डू इट योर सेल्फ मुझे माफ़ कर दो फिव मी फिव मी आखिरकार हो गया फाइनली इट्स डन फाइनली इट्स डन मुझे सर्दी हो गई है आई हैव गॉट कोल्ड आई हैव गॉट कोल्ड आपको कैसे पता हाउ डू यू नो हाउ डू यू नो नेक्स्ट इज़ यह साफ पानी है दिस इज़ प्योर या फिर क्लीन वाटर दिस इज प्योर वाटर या फिर दिस इज़ क्लीन वाटर दोनों का मतलब है यह साफ पानी है नेक्स्ट वे आदमी कौन है हु इज़ दैट फैलो हु इज़ दैट फैलो या फिर हु इज दैट पर्सन वो घर किस का है हुज़ इज़ दैट हाउस होज इज़ दैट हाउस नेक्स्ट तुम सुनते क्यों नहीं हो वाई डोंट यू लेसन वाई डोंट यू लेसन नेक्स्ट आजकल क्या चल रहा है व्हाट्स दिस डेज व्हाट्स दिस डेज नेक्स्ट इज मुझे ये करने दो लेट मी डू दिस लेट मी डू दिस या फिर लेट मी डू इट वो इसके लायक नहीं है ही इजेंट वर्थ इट ही इजेंट वर्थ इट वर्थ का मतलब होता है लायक और इट मतलब इसके तो वह इस लायक नहीं है ही इजेंट वर्थ इट नेक्स्ट मुझे शर्मिंदा मत करो डोंट एम्बेरेस मी डोंट एम्बेरेस मी नेक्स्ट ये खुशी के आंसू हैं दीज आर टीयर्स ऑफ जॉय दीज आर टीयर्स ऑफ जॉय टीयर्स का मतलब आंसू और जॉय का मतलब खुशी तो खुशी के आंसू इज टीयर्स ऑफ जॉय नेक्स्ट इज वह इसके लायक नहीं है ही डजेंट डिज़र्व इट ही डजेंट डिजर्व इट नेक्स्ट इज़ मैं थोड़ी देर में आऊँगा आई विल कम इन अ वाइल्ड आई विल कम इन अ वाइल्ड नेक्स्ट मैं इसके बारे में विचार करूँगा आई विल थिंक अबाउट इट आई विल थिंक अबाउट इट नेक्स्ट बोलने से पहले सोचा करो कई बार हम किसको एडवाइस करते हैं ना कि तुम बहुत बोलते हो बोलने से पहले सोचा करो उसको बोलेंगे प्लीज़ थिंक बिफोर यू स्पीक प्लीज़ थिंक बिफोर यू स्पीक थिंक का मतलब सोचना और स्पीक का मतलब बोलना तो प्लीज़ थिंक बिफोर यू स्पीक नेक्स्ट जहाँ भी रखना है रख दो कीप इट वेरेवर यू वॉन्ट कीप इट वेरेवर यू वॉन्ट नेक्स्ट पूरी दुनिया उसे जानती है द एंटायर वर्ल्ड नोज हिम या फिर द होल वर्ल्ड नोज हिम नेक्स्ट इज मुझे क्या वॉट टू मी वॉट टू मी धक्का मत दो डोंट पुश कितने बजे एट वॉट टाइम कितनी बार हम पूछते हैं ना कितने बजे मिलना है तो आप बोलेंगे एट वाट टाइम शैल वी मीट या फिर कितने बजे पढ़ोगे एट वॉट टाइम विल यू रीड तो कितने बजे का मतलब एट वॉट टाइम नेक्स्ट जाकर सो जाओ गो एंड स्लीप गो एंड स्लीप जाकर पढ़ाई करो गो एंड स्टडी गो एंड स्टडी नेक्स्ट थोड़ी देर रुको वेट फॉर अ वाइल वेट फॉर अ वाइल या फिर वेट फॉर अ मोमेंट भी बोल सकते हैं नेक्स्ट समय समय पर फ्रॉम टाइम टू टाइम फ्राम टाइम टू टाइम इसे बाहर ले जाओ टेक दिस आउट साइड टेक दिस आउट साइड या फिर टिकट आउट साइड भी बोल सकते हैं मैं बस अभी आया आई विल बी राइट बैक आई विल बी राइट बैक मैं बस जानना चाहता हूँ आई जस्ट वॉन्ट टू नो आई जस्ट वॉन्ट टू नो नेक्स्ट इज और बताओ टेल मी मोर टेल मी मोर इसे क्या कहते हैं वॉट इज दिस कॉल्ड या फिर वॉट इज इट कॉल्ड नेक्स्ट काम पर लग जाओ गेट टू वर्क गेट टू वर्क नेक्स्ट कहाँ से कहाँ तक फ्रॉम वेयर टू वेयर फ्रॉम वेयर टू वेयर नेक्स्ट वह अक्सर यहाँ आती है शी ऑफन कम्स हेयर शी ऑफन कम्स हेयर ऑफन का मतलब अक्सर नेक्स्ट इज पानी गंदा है द वॉटर इज़ डर्टी द वॉटर इज डर्टी नेक्स्ट कुर्सी टूटी है द चेयर इज ब्रोकन द चेयर इज ब्रोकन नेक्स्ट कलम मेज पर है या फिर पेन मेज पर है तो उसको इंग्लिश में बोलेंगे पेन इज ऑन द टेबल पेन इज ऑन द टेबल नेक्स्ट जबान संभाल के माइंड योर लैंग्वेज माइंड योर लैंग्वेज नेक्स्ट इज क्या तुम पागल हो आर यू क्रेजी या फिर आर यू मैड या फिर आर यू इन सेन क्रेजी मैड और इन इन तीनों का मतलब होता है पागल नेक्स्ट इज उठो गेट अप गेट अप नेक्स्ट इज शांत रहिए बी काम या कीप काम बी काम या कीप काम काम का मतलब होता है शांत जिसमें एल साइलेंट होता है काम पढ़ते हैं काल्म नहीं काम नेक्स्ट अब क्या वॉट नाव वॉट नाव नेक्स्ट आगे क्या वॉट नेक्स्ट वॉट नेक्स्ट परसों डे बिफोर यस्टडे यानि कि परसों जो बीत गया उसको बोलते हैं डे बिफोर येस्टडे नेक्स्ट नेक्स्ट इज मेरा मतलब है आई मीन आई मीन लड़ाई बंद करो स्टॉप फाइटिंग स्टॉप फाइटिंग तुम बहुत आलसी हो यू आर सो लेजी यू आर सो लेजी नेक्स्ट अपने जूते पहन लो पुट ऑन योर शूज़ पुट ऑन योर शूज़ नेक्स्ट अपने जूते उतार लो टेक ऑफ योर शूज़ टेक ऑफ योर शूज़ टेक ऑफ का मतलब होता है उतारना नेक्स्ट इज वह भूदू लड़का है ही इज़ अ lumpyish बॉय ही इज़ अ lumpyish बॉय नेक्स्ट वो मेरे पास आ रहा है ही इज़ कमिंग टू मी ही इज़ कमिंग टू मी तुम किसकी तरफ से हो हुज़ साइड यू आर ऑन हुज साइड यू आर ऑन का मतलब तुम किसकी तरफ हो या तुम किसकी साइड हो नेक्स्ट मैं उससे पूछना भूल गया आई फोगेट टू अस्क हिम आई फोगेट टू अस्किम इसे हम फेट प्रोनाउंस करते हैं ना कि फॉरगेट नो फोगेट नेक्स्ट इज इसे लो टट जल्दी आओ कम फास्ट कम फास्ट देर मत करो डोंट बी लेट डोंट बी लेट क्या मुसीबत है वॉट अ बॉदर वाट अ बॉदर नहीं मतलब नहीं नो मीन्स नो नो मीन्स नो नेक्स्ट इज क्या लाना है वॉट टू ब्रिंग वॉट टू ब्रिंग नेक्स्ट क्या दिखाना है वॉट टू शो वॉट टू शो शो मतलब होता है दिखाना और शो मतलब टी वी में जो शोज आते हैं उसको भी हम शो बोलते हैं बट शो का मतलब दिखाना भी होता है नेक्स्ट कोशिश करते रहो कीप ट्राइंग कीप ट्राइंग नेक्स्ट ये हुई ना बात दैट्स द स्पिरिट दैट्स द स्पिरिट नेक्स्ट अपना हाथ धो लो वॉश योर हैंड्स वॉश योर हैंड्स वेल थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड एंड आई रियली होप दैट यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल एंड इफ़ यू रियली रीड देन डोंट फर्गेट टू शेयर इट विद समन एंड इफ़ यू आर न्यू हेयर please subscribe my channel thank you so much because i come up with a new video almost every day thanks for watching